हाँ जी बिल्कुल, मंडी भाव दिन के बाद तहरीक इंसाफ आज़ादी मार्च का पड़ाव सराय आलमगीर में होगा। सराय आलमगीर शहर में मकामी रहनुमा मोहम्मद इलियास चौधरी और चौधरी मोहम्मद अरशद की तरफ से इस्तकबाल का जो मरकजी कैंप है वो सराय आलमगीर शहर में लगाया गया है। मेरे साथ इस वक्त तहरीक इंसाफ के कारकुन मौजूद हैं, आइए उनसे मज़ीद बात करते हैं कि तैयारियाँ किस नोयत की जा रही हैं। जी बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। तैयारियाँ इंशाल्लाह पूरे जोश व खरोश से जा रही हैं, आपके सामने ही आप देख रहे हैं। और इंशाल्लाह चौधरी मोहम्मद इलियास साहब की क़यादत में जो है हम काफ़िले का भरपूर इस्तकबाल करेंगे और इंशाल्लाह काफ़िला लाहौर से चला है और जगह जगह पे पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है। इंशाल्लाह हम ये दावा करते हैं कि सराय आलमगीर जैसा इस्तकबाल कहीं नहीं होगा। और ये PTI का मैं एक बात बावर करवाना चाहता हूँ कि PTI का ये जो इस्तकबाल है वो शहर सराय आलमगीर में होगा, आगे पीछे जो इस्तकबाल हो रहा है वो PTI का नहीं है। ठीक है जी, ये बात आवाम तक हम पहुँचाना चाहते हैं और आवाम से ये कहते हैं कि अगर आपने लॉन्ग मार्च का इस्तकबाल करना है तो आप शहर सराय आलमगीर ये जो जिस जगह पे हम खड़े हैं इस जगह पे आएँ, आपके लिए हर चीज़ का हमने बंदोबस्त किया हुआ है। ये सामने बड़ी स्क्रीन लग रही है, ये रात के लिए अंधेरे के लिए लाइटें लग रही हैं और जितने लोग आएँगे उनके लिए कुर्सियाँ लगेंगी, उनके लिए पानी का बंदोबस्त होगा, जितनी बुनियादी ज़रूरियात हैं वो हमने सारी इंशाल्लाह पूरी करने की कोशिश की है। और मैं चौधरी मोहम्मद इलियास साहब की तरफ से उनका नुमाइंदे के तौर पे ये बात कहना चाहता हूँ कि हम किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देंगे और कारकुन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मेहनत कर रहे हैं सारी रात से और इंशाल्लाह इस इस्तकबाल को मिसाली बनाएंगे।